ओम शांति। आज 14 अप्रैल 2022 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। मीठे बच्चे, योग बल से घाटे के खाते को चुकतू कर, सुख का खाता जमा कर, व्यापारी बन अपना पूरा हिसाब निकालो। आज की मुरली से प्रश्न है, तुम बच्चों ने बाप से कौन सी प्रतिज्ञा की है? उस प्रतिज्ञा को निभाने का सहज साधन क्या है? उत्तर है, तुमने प्रतिज्ञा की है, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। भक्ति में भी कहते थे, भक्ति की प्रतिज्ञा भी बाबा याद दिलाते, बाबा जब आप आएंगे तो हम और संग तोड़ एक आपसे जोड़ेंगे। अब बाबा कहते, बच्चे देह सहित देह के सब संबंधों को बुद्धि से त्याग कर एक मुझे याद करो। इस पुराने शरीर से भी दिल हटा दो, परंतु इसमें मेहनत है। इस प्रतिज्ञा को निभाने के लिए युक्ति बताते बाबा कि कैसे हम इस प्रतिज्ञा को निभा सकते हैं, कि इस प्रतिज्ञा को निभाने के लिए सवेरे सवेरे उठ अपने आप से बातें करो व ख्याल करो, अब यह नाटक पूरा होता है। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जाओ रे। ओम शांति। बच्चे पुकारते हैं कि परमधाम से आओ। ये गीत गाया हुआ है पतित मनुष्यों का, वह खुद इनका अर्थ नहीं जानते। पुकारते भी है कि पतितों को पावन बनाने आओ, क्योंकि इस समय है रावण राज्य। यह भी बच्चे जानते हैं कि भारत में दैवी श्रेष्ठाचारी राज्य था। अभी तुम श्रेष्ठाचारी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। बाप कहते हैं, बच्चे अभी तुमको वापस चलना है, पुराना पाप का खाता चुकतू करना है। व्यापारी लोग 12-12 मास पुराना खाता बंद करते हैं, घाटे व फायदे का हिसाब निकालते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, भारत में हम आधा कल्प फायदे में, आधा कल्प घाटे में रहते हैं, अर्थात आधा कल्प सुख आधा कल्प दुख पाते हैं, उसमें भी दुख बहुत थोड़ा पाते हैं, 3 हिस्सा सुख 1 हिस्सा दुख। तो बाबा कहे, उसमें भी दुख बहुत थोड़ा पाते हैं, जबकि तमो प्रधान अवस्था होती है तभी दुख पाते हैं। व्यभिचारी भक्ति में चले जाते हैं, बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, अब तुमको फायदे में जाना है, घाटे के खाते को अब योग बल से चुकतू करना है, तुम्हारे पापों का खाता अब कटना चाहिए, फिर सुख का खाता जमा होना चाहिए। जितना तुम मुझे याद करेंगे उतना तुम्हारे पापों का खाता भस्म होगा, और फिर पवित्र बन गीता का ज्ञान धारण करना है। पापों का खाता भस्म कर, बाबा कहे, फिर पवित्र बन गीता का ज्ञान धारण करना है। यहां कोई गीता शास्त्र नहीं सुनाते हैं, यह गीता का ज्ञान भगवान ने दिया है। इस समय मनुष्य की बुद्धि तमो प्रधान होने के कारण बाप को नहीं जानते, इसीलिए इनको ऑर्फन्स कहा जाता है। तुम समझाते हो कि भारत पुण्य आत्मा श्रेष्ठाचारियों की दुनिया थी, जिन्हों के चित्र भी है। भारत सतयुग आदि में बहुत शाहूकार था, और जो इस्लामी बौद्धी आदि धर्म है आरंभ में होते ही थोड़े हैं, आरंभ में बाबा कहें थोड़े होते हैं। धर्म स्थापक आया, फिर जो भी उस धर्म की आत्माएं हैं वह आती जाती है, वह कोई राजाई में नहीं आते, वह आत्माएं राजाई में नहीं आते, अपने धर्म में आते हैं,
जब लाखों करोड़ों की अंदाज में हो जाते हैं तब राजा रानी आदि बनते हैं। द्वापर के बाद भी कई राजाएं बने तो बाबा कहे तब जाकर के राजा रानी आदि बनते हैं। यहां तुम्हारी तो शुरू से लेकर राजा ही चलती है। सतयुग आदि में ही लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भारत महान ऊंच था जब श्रेष्ठाचारी था। ऊंचे ते ऊंचा भगवान गाया जाता है, उनको ही ट्रुथ कहते हैं। वह आकर सच्ची नॉलेज देते हैं और सभी बाप के बारे में झूठी ही नॉलेज देते हैं। सभी याद करते हैं ओ गॉड फादर, परंतु फादर को कोई भी जानते नहीं है। कभी तुम पूछो लौकिक फादर को जानते हो तो ये थोड़ी कहेंगे वह सर्वव्यापी है। फादर माना फादर, फादर से तो वर्षा मिलता है। बाप समझाते हैं मैं हूं बेहद का रचयिता, मुझे बुलाते ही है पतित दुनिया में, प्रलय तो होती नहीं, यह सारी पतित दुनिया है, मुझे तुम बच्चों के लिए ही आना पड़ता है। बाबा कहे मुझे तो तुम बच्चों के लिए ही आना पड़ता है, तुम बच्चों को ही समझाता हूं। मनुष्य गुरु आदि करते हैं इसलिए शांति के लिए, परंतु वह सब है भक्ति मार्ग के लिए, हठ योग आदि सिखलाते हैं। तो बाबा कहे परंतु वह सब है भक्ति मार्ग के लिए, हठ योग आदि सिखलाते हैं, उनसे कोई बेहद का वर्षा मिल नहीं सकता। गुरु करते हैं उनसे अल्प काल के लिए थोड़ा सुख मिलता है, वह सब है हद का सुख देने वाले। बेहद का बाप है बेहद का सुख देने वाला। बाप मुक्ति जीवन मुक्ति की सौगात ले आते हैं। सतयुग में सिर्फ एक ही धर्म होता है, यहां तो कितने अनेक धर्म है, वृद्धि होती ही रहती है। अब फिर इतनी सब आत्माएं वापस जाएगी शांति धाम में, लास्ट में सारी आत्माएं शांति धाम में जाएंगी। यह तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिल रहा है। बाप है इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, उनके पास सारी नॉलेज है। सर्वव्यापी कहने से ज्ञान व भक्ति की कोई बात ठहरती नहीं है। भगवान सर्वव्यापी है तो फिर भगवान की भक्ति करने की क्या दरकार है? अगर वह सर्वव्यापी है तो उसकी भक्ति करने की क्या दरकार है? भक्ति करते हैं परंतु समझते नहीं है। पत्थर ठिकर सबकी भक्ति करते रहते हैं। गंगा में कितने स्नान करने जाते हैं, अगर वह पतित पावनी हो, बाबा कहे अगर गंगा पतित पावनी हो तो फिर सबको पावन होना चाहिए, मुक्ति जीवन मुक्ति धाम में जाना चाहिए, लेकिन जाता कोई नहीं है। एक गुरु वापस ले जाए तो और फॉलोअर्स को भी ले जाए, लेकिन न खुद जाते न फॉलोअर्स को कुछ कह सकते हैं। देह अभिमान में बहुत है, ऐसे कोई भी नहीं कह सकेंगे क्या? बाबा कहे ऐसे कोई भी नहीं कह सकेंगे कि हम निराकार परमपिता परमात्मा तुम बच्चों का बाप हूं, ये बात कोई नहीं कह सकते हैं। तुमको साथ ले जाने आया हूं, ये बाप को ही हक है। अब पुरानी दुनिया को छोड़ना है, इसीलिए योग बल जरूर चाहिए। गफलत करने से पद नहीं पाएंगे। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको लायक बना रहे हैं। बच्चे जो ना लायक बन जाते हैं वह देवाला मारते हैं। कल्प कल्प तुमको 100% सॉल्वेंट बनाता हूं, फिर रावण तुमको इनसॉल्वेंट बना देते हैं। समझते भी है, बात ठीक है। अब बरोबर कलयुग का अंत है, सतयुग आदि का संगम है। समझो मकान की आयु 100 वर्ष है,
अगर 25 वर्ष बीत गए तो एक चौथा पुराना हुआ, 50 वर्ष होंगे तो पुराना नाम रख देंगे, यह भी चार भाग रखे जाते हैं, सतो रजो तमो। अब फिर ये पुरानी दुनिया से नई दुनिया होगी, गोया सारी दुनिया को नया जन्म मिलना है, ये पुरानी दुनिया है। बाप कहते हैं अब मैं नया जन्म दे रहा हूं, दुनिया पुराने से नई हो रही है, तुम आए हो राजयोग सीखने। तुम भी जानते हो इस ड्रामा के अंदर हम एक्टर है, हम आत्माएं भी शरीर लेकर यहाँ पार्ट बजाने आए हैं। दुनिया में यह कोई नहीं जानता, अपने को एक्टर समझे तो क्रिएटर डायरेक्टर भी जान जाए। कहने मात्र सिर्फ कहते हैं ये कर्म क्षेत्र है, परंतु कब से खेल शुरू हुआ, उनका क्रिएटर कौन है, कुछ भी नहीं जानते। मनुष्य को ही जानना चाहिए ना, मनुष्य के पास ही बुद्धि है तो मनुष्य को ही जानना चाहिए ना, बाकी ये आपस में लड़ना तो ऑर्फन्स का काम है। देवताओं को ऑर्फन्स नहीं कहेंगे, वहां लड़ाई झगड़ा होता ही नहीं। यहां तो देखो बच्चे बाप को भी मार देते हैं, सभी पतित भ्रष्टाचारी है इसलिए दुख देते रहते हैं। आधा कल्प संपूर्ण निर्विकारी देवी देवताओं का राज्य था, अभी तो एक भी संपूर्ण निर्विकारी नहीं है। अभी बाप तुमको श्रीमत देते हैं, ये पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है, मैं आया हूं नई दुनिया स्थापन करने। तुम प्रतिज्ञा भी करते हो, भक्ति मार्ग में भी प्रतिज्ञा की, बाबा आप आएंगे तो हम और संग तोड़ एक आपके संग जोड़ेंगे, मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई। अब बाबा आए हैं, कहते हैं बच्चे देह सहित देह के सभी संबंधों का त्याग कर मुझे याद करो, इसमें ही मेहनत है। कहते बाबा हम जानते हैं ये जो भी मित्र संबंधी आदि है ये सब मरे पड़े हैं, ये शरीर भी खत्म हो जाएगा, पुराना है, अब हम पुराना शरीर छोड़ नए में जाएंगे, पुराने शरीर से दिल हट जाती है, अभी हम गए कि गए, पुरानी दुनिया भस्म होनी है। कितना बाबा वैराग दिला रहे हैं बच्चों को कि पुरानी दुनिया भस्म होनी है। बाप समझाते हैं सवेरे उठकर ऐसे ऐसे ख्याल करो, अभी नाटक पूरा होता है, हमको वापस जाना है, अब एक ही बाप की श्रीमत पर चलना है, अभी नई दुनिया में जाना है, इसलिए जीते जी सबसे बुद्धि योग तोड़ एक से जोड़ना पड़े, इसमें बड़ा अभ्यास चाहिए। अभ्यास के लिए ही बाप कहते हैं सवेरे उठो, दिन में तो शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करना है, रात का अभ्यास वृद्धि को पाता है, जितना टाइम मिले बाबा को याद करो, बाबा की याद में तुम कितना भी पैदल करते जाओ कभी थक नहीं सकते, योग बल की खुशी रहती है। याद का अभ्यास होगा तो कहां भी बैठे याद आ जाएगी, खाने पर भी याद में रहना है, फालतू वार्तालाप नहीं चलना चाहिए। बाबा कहे फालतू वार्तालाप नहीं चलना चाहिए, बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे, फिर अंत मते सुगति हो जाएगी। तो सारी बाबा ने कितनी अपनी दिनचर्या को सुंदर बनानी है कि खाने पर भी बाबा की याद में रहना है, फालतू वार्तालाप नहीं चलना चाहिए, बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे, फिर अंत मते सुगति हो जाएगी। अभी वापस जाना है,
सभी का सदगति दाता, सबको श्रेष्ठाचारी बनाने वाला, शांति देश में ले जाने वाला एक ही बाप है। जन्म जन्मांतर तुमको बाप टीचर गुरु मिले, परंतु वह सब है जिस्मानी। जिस्मानी बाप, जिस्मानी टीचर, जिस्मानी गुरु मिले कोई भी, लेकिन जिस्मानी ने कभी किसी को भी देही अभिमानी बनना नहीं सिखलाते हैं। तो कोई भी देही अभिमानी बनना नहीं सिखलाते हैं। ये तो बेहद का बाप, ज्ञान का सागर है। जो भी आत्माएं हैं उनमें संस्कार भरे हुए हैं, फिर शरीर धारण करने से वह इमर्ज होते हैं। बाबा कहे जैसे जैसे आत्मा में संस्कार है, फिर शरीर धारण करने से वह इमर्ज होते हैं। अभी तुमको सारे ड्रामा की नॉलेज है, और तो सभी मनुष्य गोर अंधियारे में है, गाया भी हुआ है ज्ञान अंजन सतगुरु दिया। तो ज्ञान अंजन देने वाला कौन है? बाबा कहे ज्ञान अंजन देने वाला ज्ञान सूर्य बाप है। सतयुग को दिन, कलयुग को रात कहा जाता है। आत्माएं उस निराकारी बाप को याद करती है। बाप समझाते हैं, मैं तुम बच्चों को ब्रह्मा मुख द्वारा कल्प पहले मुआफिक सब भक्ति मार्ग के शास्त्रों का राज समझाता। यह सब भक्ति मार्ग की सामग्री है जो आधा कल्प से चलती आती है। मनुष्य तो कह देते ये परंपरा से चलते आए हैं, रावण को भी परंपरा से जलाते आए हैं। त्योहार जो मनाते हैं वह सब कहते हैं, क्या कहते? परंपरा से चल रहे हैं। परंपरा का अर्थ क्या है पूछते बाबा। अच्छा, परंपरा का अर्थ क्या है? वह समझते नहीं। सतयुग की आयु लाखों वर्ष लिख दी है, तो मनुष्य घोर अंधियारे में है ना। भक्ति कब से शुरू हुई, पावन कब बने, कुछ भी नहीं जानते। बाबा कुछ भी जानते नहीं। भगवान पतितों को पावन कब बनाने आए? कहते भी है क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले स्वर्ग था, परंतु फिर भी अनेक मत है ना। कितनी मते दुनिया में काम कर रही है। बाप आकर श्रेष्ठ मत देते हैं। श्रीमत से तुम श्रेष्ठ सो देवता बनते हो। रुद्र माला भी है, रुद्र भी निराकार भगवान ही ठहरे, वह है श्री श्री। देवताओं को कहेंगे श्री अर्थात श्रेष्ठ। अभी तुम बच्चे जानते हो कि श्री श्री द्वारा श्रेष्ठ दुनिया बनती है। बाप श्री श्री है, श्री बनाने वाला। यह सब बातें याद करनी है, कल्प पहले वाले ही समझेंगे। यह ज्ञान सब धर्म वालों के लिए है। सबको बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझो। सभी को बाबा शिक्षा देते, अपने को आत्मा समझो। बेहद के बाप से कितना सुख मिल रहा है। बेहद का बाप आकर इतने बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। यह मुख वंशावली है ना, कितने ढेर बिके हैं जो फिर देवता बनने वाले हैं। यह है ईश्वरीय कुल। दादा है निराकार, उनके बच्चे का नाम है प्रजापिता ब्रह्मा। दादा है निराकार, उनके बच्चे का नाम है प्रजापिता ब्रह्मा। इन द्वारा एडॉप्ट करते हैं। तुम ब्राह्मण हो, शिव बाबा की फैमिली। फिर वृद्धि होती है, अभी तुम्हारी नंबर वन बिरादरी है। तुम सर्विस करते हो, सबका कल्याण करते हो। तुम्हारा जड़ यादगार मंदिर एक्यूरेट बना हुआ है। दिलवाड़ा मंदिर एक्यूरेट बना हुआ है। यहां तुम चैतन्य में बैठे हो, जानते हो हम फिर से स्थापना करते हैं। भक्ति में हमारे यादगार मंदिर बनेंगे। शिव बाबा न होता
तो तुम कहाँ होते? बाबा कहे, शिव बाबा न होता तो तुम कहाँ होते? ब्रह्मा विष्णु शंकर कहाँ है? अभी शिव बाबा रचना रच रहे हैं ना, प्रजापिता ब्रह्मा का चित्र अलग होना चाहिए। त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते हैं, परंतु उनका तो कोई अर्थ ही नहीं। तुम जानते हो परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। करण करावनहार कौन है? शिव बाबा है। यह सब बातें धारण करने की है। शिव बाबा खुद राजयोग सिखला रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं, तो वह धारण करनी चाहिए। इसमें प्योरिटी फर्स्ट है, हिम्मत भी दिखानी है, गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रह दिखाना है। कोई बच्ची को बचाने के लिए भी स्वयंवर करते हैं, जिसको गंधर्व विवाह कहते हैं, फिर उसमें भी कोई फेल हो जाते हैं। कोई कोई ऐसे भी होते हैं जो शादी कर फिर पवित्र रहते हैं। पवित्र रह फिर नॉलेज भी लेनी है। धारण कर औरों को भी आप समान बनाकर दिखावे। बाबा कहे, धारण कर औरों को भी आप समान बनाकर दिखावे, तब उच्च पद पा सके। इस ज्ञान यज्ञ में विघ्न भी बहुत पड़ते हैं। यह तो सब होगा, ड्रामा में नूंद है। कई बच्चियां कहती है, हमें शाहूकारी क्या करनी। बाबा के पास कई बच्चियां आती है, बाबा कहे, कई बच्चियां कहती है हमें शाहूकारी क्या करनी, इससे तो बर्तन मांझकर रोटी खाना अच्छा है, पवित्र तो रहेगी, परंतु हिम्मत बहुत चाहिए। बाबा कहे, हिम्मत चाहिए बहुत। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, भोजन करते समय याद में रहना है, फालतू वार्तालाप नहीं करनी है, याद से पापों का खाता चुकतू करना है। दूसरी पॉइंट, दिन में शरीर निर्वाह अर्थ कर्म कर, रात को जाग अपने आप से बातें करनी है। ख्याल करना है कि यह नाटक पूरा हुआ, अब हम वापस जाते हैं, इसलिए जीते जी ममत्व मिटाना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति, डबल नशे की स्थिति द्वारा सदा निर्विघ्न बनने और बनाने वाले विश्व परिवर्तक भव। डबल नशे की स्थिति द्वारा सदा निर्विघ्न बनने और बनाने वाले विश्व परिवर्तक भव। मालिक सो बालक है, जब चाहो मालिकपन की स्थिति में स्थित हो जाओ और जब चाहो बालकपन की स्थिति में स्थित हो जाओ। यह डबल नशा सदा निर्विघ्न बनाने वाला है। ऐसी आत्माओं का टाइटल है विघ्न विनाशक। लेकिन सिर्फ अपने लिए विघ्न विनाशक नहीं, सारे विश्व के विघ्न विनाशक, विश्व परिवर्तक हो जो स्वयं शक्तिशाली रहते हैं, उनके सामने विघ्न स्वतः कमजोर बन जाता है। जो स्वयं शक्तिशाली रहते उनके सामने विघ्न स्वतः कमजोर बन जाता है। आज का स्लोगन है, अपने डबल लाइट स्वरूप में स्थित रहो तो सब बोझ समाप्त हो जाएंगे। अपने डबल लाइट स्वरूप में स्थित रहो तो सब बोझ समाप्त हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.